गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मेरे सामने खड़ी हुई है 2024 की लेटेस्ट टोयोटा ग्लांजा। और ये हमारे सामने जो वेरिएंट खड़ा हुआ है वो खड़ा हुआ है आपका बेस वेरिएंट, यानी कि ई वेरिएंट हमारे सामने खड़ा हुआ है। और ये जो हमारा प्योर पेट्रोल में रहने वाला है, तो आज की स्टोरी में हम जो इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले, ये हमारा 2024 का लेटेस्ट वेरियंट है, तो आज इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले। मैं आपको इसकी बताने वाला हूँ एक शोरूम कॉस्ट, ऑन रोड कॉस्ट, सारी चीजें जो है आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और अभी मैं हूँ आपका शो टोयोटा पे, स्पेशल थैंक्स टू देम जिन्होंने मेरे को ये गाड़ी प्रोवाइड करी और अब तक जो है मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो पहुंचा पा रहा हूँ। अगर मैं बात सबसे पहले इसकी चाबी की, तो यहाँ पे आपको मिलती है कुछ इस तरीके की अपनी चाबी। ये देखिए टोयोटा का यहाँ पे आपको लोगो देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा लॉक और अनलॉक का बटन इस तरीके से, ये का जो सेंट्रल लॉकिंग काम करती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे के लुक्स की बात करूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे मिलता है आपको प्रोजेक्टर आपका हाई बीम और लो बीम के लिए। इसके अंदर आपको हेलोजन का सेटअप देखने को मिलेगा, पार्किंग लाइट आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको हेलोजन में इंडिकेटर इस तरीके से, यहाँ पे क्रोम का ट्रीटमेंट। उसके बाद अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो आपको कुछ इस तरीके से सी टाइप का क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, कार्बन फाइबर की फिनिश आपको यहाँ ऑफर करी गई है, टोयोटा का लोगो आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो स्केट प्लेट है, जो बंपर की जो लिप है, वो आपको थोड़ी एक्सटेंडेड टाइप की देखने को मिलेगी, बलिनो थोड़ी सी अलग देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको हेक्सागोनल टाइप की यहाँ पे जो है ग्रिल देखने को मिलेगी, रेडिएटर भी आपको यहाँ से आर पार देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। हॉर्न की प्लेसमेंट आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी, टोइंग हुक का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी साइड की, तो कुछ इस तरीके के यहाँ पे आपको जो है साइड के लुक्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको बॉडी कलर्ड यहाँ पे चीज़ें देखने को नहीं मिलने वाली, ये जो आपका ब्लैक डाउट रहने वाला है, ये आपका ब्लैक डाउट रहने वाला है, यानी कि डोर हैंडल और ओआवीएम आपको जो है बॉडी कलर देखने को नहीं मिलेंगे। आपका जो इंडिकेटर है उसकी प्लेसमेंट भी आपको जो है फेंडर पे देखने को मिलेगी। अगर बात करूं मैं इसके टायर की, तो यहाँ पे आपको अपोलो के टायर्स देखने को मिल रहे हैं, 185/65 R15 इस तरीके से यहाँ पे जो है उसका सेक्शन रहने वाला है, ठीक है। उसके ऊपर आपको जो है टोयोटा का व्हील कैप देखने को मिलेगा, फ्रंट में आपको जो है डिस्क ब्रेक मिलेंगी, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स वगैरह ऑफर करे गए हैं, ठीक है। आगे ही खड़े हैं तो इसके वाइपर्स की बात कर लेते हैं। फ्लेक्सिबल वाइपर्स नहीं मिलेंगे आपको, यहाँ पे नॉर्मल वाइपर्स ऑफर करे गए, दो इस तरीके से आपके जो है आपको वॉशर फ्लूड के आउटलेट्स देखने को मिलेंगे। अब आते हैं इसकी साइड पे, तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे आपको साइड देखने को मिलेगी। अगर मैं इसके व्हील बेस की बात करूँ, तो 2520 mm यहाँ पे आपका जो है व्हील बेस देखने को मिलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का व्हील बेस आपको ऑफर किया गया, ठीक है। अगर उसके बाद बात करें, तो यहाँ पे आपकी चाबी के ऑप्शन हो जाएगा, कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह सारी चीजें कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है। ब्लैक डाउट यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से आपकी डोर पे ट्रिम देखने को मिलेगा, कोई भी ग्लॉस ब्लैक फिनिश का आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई भी इसमें आलतू फालतू चीजें देखने को नहीं मिलने वाली है। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ, तो 3990 mm यहाँ पे आपकी जो है लेंथ रहने वाली है। अगर वहीं अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ, तो 170 mm यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है, 2580 mm का यहाँ पे आपको जो है व्हील बेस देखने को मिल जाता है। आते पीछे की तरफ, तो यहाँ पे आपको क्वार्टर पैनल देखने को मिलेगा, और पीछे की तरफ आएंगे तो कुछ इस तरीके के यहाँ पे पीछे के लुक्स रहने वाले हैं। LED टेल लाइट्स आपको यहाँ ऑफर करी गई है, उसके बाद हेलोजन में इंडिकेटर, हेलोजन में रिवर्स लाइट आपको ऑफर करी जाती है, ठीक है। इस तरीके से ये जो आपका ग्लो करेगा, एक बार मैं आपको चार्ज कराता हूँ, तो ये देखिए, ये मैंने खोला, लाइट्स ऑन कर दी अपनी, और ये देखिए भाई, ये हैं आपके कुछ लुक्स, तो ये आपका ग्लो कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ग्लो करेगा, ये आपकी ब्रेक लाइट्स हो गई। उसके बाद अगर मैं आगे की लुक्स की बात करूँ, तो कुछ इस तरीके के आपके आगे के लुक्स हो जाते हैं। एक बार मैंने इंडिकेटर भी ऑन कर दिया लगे हाथ, तो ये देखो, ये हो गए आपके पूरे पीछे के लुक्स, ठीक है। अब एक बार मैं आगे के लुक्स भी चेकआउट कराता हूँ आपको, तो ये हैं आपके आगे के लुक्स भाई। यहाँ पे आपको हेलोजन में आपका जो है प्रोजेक्टर देखने को मिल रहा है, या आपकी पार्किंग लाइट, या आपके हेलोजन में इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको फेंडर पे जो है आपकी इंडिकेटर की लाइट की प्लेसमेंट हो जाती है। अब मैं लाइट्स बंद करता हूँ, और मैं बात करता हूँ बूट स्पेस की, बूट स्पेस कैसा रहने वाला है। ये मैंने बंद करा। पीछे की तरफ आएंगे, तो यहाँ पे आपको जो है डिफॉगर आपको बेस मॉडल से ही देखने को मिल रहा है। हमारे सामने जो मॉडल है, ये अपना बेस मॉडल है, फिर से बता देता हूँ, टोयोटा का लोगो, ग्लांजा की बैजिंग, ई मॉडल की बैजिंग आपको देखने को मिलेगी। आपका यहाँ पे हाई माउंट स्टॉपिंग लैंप आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटेना नहीं मिलने वाला है, सादा एंटेना आपको यहाँ ऑफर किया गया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कुछ यहाँ पे इस तरीके से आपका जो है बूट स्पेस ऑफर किया गया। डेप्थ की बात करें, तो बहुत अच्छी डेप्थ आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे आपका कोई भी लाइट वगैरह नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक हुक आपको ऑफर किया गया है। उसके बाद अगर मैं इसके टायर साइज की बात करूँ, तो यहाँ पे मिलता है आपको 185/65 R15 15 inch का यहाँ पे टायर ऑफर किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट रिलीज देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा ऐसे पकड़ के बंद करने के लिए, ठीक है। पीछे आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट की प्लेसमेंट हो जाएगी। उसके बाद अगर बात करें रिफ्लेक्टर की, तो एक रिफ्लेक्टर, ये रहा एक रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दूसरी तरफ आता है, तो यहाँ पे आता है आपका फ्यूल फिलर
कैप। अगर बात करूँ यहाँ पर इसके टैंक के साइज़ की, तो वो रहने वाली है आपकी 37 लीटर की। 37 लीटर आपको यहाँ पर फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। और उसको खोलने के लिए आपको यहाँ पर जाके यहाँ पे आपको जाके इधर इस तरीके से इसको खींचना है और आपका फ्यूल फिलर कैप खुल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपको E20 का स्टिकर लगा देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करें दूसरी तरफ, तो कुछ इस तरीके हैं कि यहाँ पे आपको दूसरी तरफ के लुक्स देखने को मिलेंगे। आपको को पैसेंजर साइड पर कोई भी एडजस्टमेंट वगैरह का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ रिक्लाइन को ही आप सेट कर सकते हैं। अब आते हैं इसके आगे की तरफ, इंजन की बात करते हैं। तो इसके अंदर आपको मिलता है 1200 cc का 4 सिलेंडर का इंजन, ठीक है। आपको हुड यहाँ से खोलना है, इस तरीके से आपका हुड खुल जाएगा। 1200 cc का 4 सिलेंडर का इंजन देखने को मिलता है। उसके बाद अगर इसकी ये खुल गया, इस तरीके का आपको इंजन बे देखने को मिल रहा है। बहुत ही क्लीन इंजन बे है। नीचे आपको कवरिंग्स वगैरह देखने को मिल रही है। ये आपके गियर का ऑप्शन हो गया, इस तरीके से गियर शिफ्टर वगैरह, बैटरी वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इंसुलेशन भी आपको देखने को मिली, बहुत ही रिफाइंड इंजन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इंजन बे देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसके पावर फिगर्स की बात करूँ तो यहाँ पे मिलती है आपको 88 bhp आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको देखने को मिलता है। अगर मैं इसके माइलेज की बात करूँ तो ये देखो भाई, मैनुअल ट्रांसमिशन में देती है 22 का और AMT में देती है आपका 23 का लगभग माइलेज, बहुत बढ़िया। और अभी मैं हूँ आपका शॉर्ट टोयोटा पे, स्पेशल थैंक्स टू देम जिन्होंने मेरे को एक गाड़ी प्रोवाइड करी, अब तक जो है इन्फॉर्मेशन वीडियो पहुँचा पा रहा हूँ। 318 लीटर का अपना जो है यहाँ पे पीछे बूट स्पेस देखने को मिलता है, और 37 लीटर का आपको यहाँ पे जो है अपना फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। अब आते हैं इसके डोर ट्रिम पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्रीम कलर का सॉफ्ट टच, उसके बाद ब्लैक कलर का यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे चारों पावर विंडोज आपको ऑफर करी गई हैं, पावर 1 pinch अप एंड डाउन ड्राइवर साइड, लॉक अनलॉक का ऑप्शन, लॉक करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं देखने को मिलने वाला है आपके ORVMs के लिए। ORVMs आपके जो है सारे हाथ से एडजस्ट करने पड़ेंगे, इस तरीके से हाथ से आपको ऐसे फोल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर बात करी जाए, बॉटल होल्डर का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे आपके जो है, एक आपको मैगजीन होल्डर ऑप्शन मिल रहा है, आपके स्पीकर की ग्रिल्स वगैरह देखने को मिलेगी, वायरिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, स्पीकर इसके अंदर लग के नहीं आने वाले हैं, ठीक है। वायरिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, आपका रिक्लाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा मैनुअल, उसके बाद मैनुअल आपका आगे पीछे करने का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको तीनों पेडल्स देखने को मिलेंगे, क्लच, ब्रेक और अपना एक्सेलेटर, ये आपके जो है आपकी फ्यूल लिड खोलने के लिए, ये आपका हुड खोलने के लिए। बटन्स की बात करी जाए तो कुछ इस तरीके के यहाँ पे बटन्स ऑफर करे गए। एक और चीज़ चेक कराता हूँ, पीछे का हुड खुला हुआ था तो उस टाइम पे वो टिक टिक नहीं कर रहा था, अब देखें टिक टिक करेगा क्या? नहीं भाई, ये टिक टिक नहीं कर रहा है, छोड़ो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बटन्स की, तो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे एडल स्टार्ट स्टॉप, या आपका हेडलाइट लेवर एडजस्टर, एक यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है सामान रखने के लिए, इस तरीके से। उसके बाद स्टेयरिंग की बात करें तो फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील, टोयोटा का लोगो आपको ऑफर किया गया है। यहाँ पे आपको मिलेंगे वाइपर के कंट्रोल्स, उसके बाद दूसरी तरफ मिलेंगे आपको लाइट के कंट्रोल्स। एक बार मैं चाबी को लगा देता हूँ, यहाँ पे आपको मिलते हैं लाइट के कंट्रोल्स। बेस मॉडल से ही आपको यहाँ पे जो है क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको ऑफर किया गया है। उसके बाद बात करी जाए तो नीचे की तरफ आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, दो यहाँ पे आपको कप होल्डर्स, यहाँ पे स्पेस मिल रहा है आपका फोन रखने के लिए, हैंड ब्रेक मिल जाएगी आपको, यहाँ पे कुछ भी जो है आपका ट्रीटमेंट वगैरह नहीं मिलने वाली है आपकी, सिल्वर की, क्रोम की कुछ भी नहीं मिलेगा। ग्लॉस ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पे इस तरीके से आपके गियर लीवर के अराउंड देखने को मिलेगी, यहाँ पे भी आपको जो है इस तरीके से ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको सारा चीज़ें जो है मैट ब्लैक में देखने को मिलने वाली है। क्रीम कलर का यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे थोड़ा सा ट्रीटमेंट देखने को मिलने वाला है। उसके बाद बात करूँ यहाँ पे ग्लव बॉक्स की, तो इसके अंदर आपको सॉफ्ट ओपनिंग नहीं देखने को मिलेगी, ऐसे बाहर से खुल जाएगा। यहाँ पे आपकी मैगजीन्स वगैरह देखने को मिल जाती है। उसके बाद बात करें कूल रहने वाला है क्या, नहीं, ये आपका कूल देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर बात करूँ मैं यहाँ पे इसके क्लस्टर की, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये देखिए, इस तरीके का आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल रहा है, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर आपको दोनों देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी सारी वार्निंग्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आप फिर से देखिए, मैंने दूसरी गाड़ी देखी जिसमें इतना आपको पेट्रोल देखने को मिल रहा है, शॉर्ट टोयोटा बहुत ही अच्छी डीलरशिप है आपकी, जो कि आपको इतना अच्छा अमाउंट में पेट्रोल और चीज़ें देखने देते हैं गाड़ी डिलीवरी के टाइम पे। तो आप चेकआउट करिए इसमें, तो आपको ट्रिप ए देखने को मिल रही है, ट्रिप बी आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे आपको 30 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलेगी, इस तरीके से। एक डंडी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, इससे आप चेकआउट कर सकते हैं। आपका रियल टाइम
एवरेज, उसके बाद एवरेज आप चेक कर सकते हैं, रेंज चेक कर सकते हैं, आप कितना एवरेज निकाल रहे हैं वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। ऊपर टाइम देखने को मिलेगा, आपका आउटसाइड टेम्परेचर देखने को मिलेगा, उसके बाद आपके जो है शिफ्ट इंडिकेटर देखने को मिलेगा कि आपको शिफ्ट करने कब करना है, ये आपको गाइड कर देगा। इस तरीके से यहाँ पे आपको चीजें देखने को मिल जाती है। IRVM मिरर में आपका डे एंड नाइट जो है मैनुअल रहने वाला, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कोई भी लाइट वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। इस साइड आपको टिकट होल्डर का भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलने वाला है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको ऑफर करे गए हैं। एयरबैग्स की बात करें तो एक और दो एयरबैग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपके जो जेटा मॉडल है या फिर आपका जो वी मॉडल है उसके अंदर आपको जो है यहाँ पे 4 एयरबैग्स ऑफर होने लग जाते हैं, और उसके बाद फिर 6 एयरबैग्स आपको हाई एंड्स में जाते जाते देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगर बात करी जाए पिछली सीट पे, तो पिछली सीट पे चलते हैं एक बार, पिछली सीट पे कैसा चीज़ें रहने वाली है। तो ये मैंने बंद किया, इसकी चाबी भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ इस तरीके से। अब चलते पिछली गेट पे, ये कुछ इस तरीके का पीछे का डोर रहने वाला है। यहाँ पे आपको स्पेस मिलेगा अपना ग्रैब करने का। यहाँ पे सॉफ्ट टच मिलेगा, ये आपका सॉफ्ट टच रहने वाला है। आपको ब्लैक आउट यहाँ पे जो है डोर नॉब्स रहने वाले हैं। स्पीकर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे स्पीकर अंदर लगा हुआ नहीं है, आपको बाहर से लगवाना पड़ेगा। बॉटल होल्डर का ऑप्शन है, मैगजीन होल्डर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको ऑफर करे गए हैं। उसके बाद अगर बात करी जाए यहाँ पे स्पेस की, तो स्पेस तो बलिनो में आपको बहुत तगड़ा मिलता है, और दूसरी बात इसके कम्फर्ट की, कम्फर्ट भी आपको यहाँ पे जो है बहुत ही तगड़ा देखने को मिलता है। तो एक बार बंद बैठता हूँ गाड़ी के अंदर, इस तरीके से यहाँ पे आपका जो है सीटिंग रहने वाली है, आप चेकआउट कर सकते हैं। 3 पीछे आपको जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर करे गए हैं आपकी नए मॉडल्स में इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल रहा है, यहाँ पे आपको एक ग्रैब हैंडल मिल रहा है, यहाँ पे आपको एक हुक देखने को मिल रहा है। सेंटर में आपको कोई भी एसी वेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिला, नीचे की तरफ आपको एक स्पेस देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से पूरा इसका इंटीरियर हो जाता है, ठीक है। ये हो जाती है इसकी कहानी। अगर बात करी जाए पीछे, तो आपको ब्लैक कलर की सीट बेल्ट वगैरह ऑफर करी गई है। आइसोफिक्स स्टाइल सीट्स आपको यहाँ मिल जाती है। आपको यहाँ पे पार्सल ट्रे वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, एक छोटा सा क्वार्टर पैनल आपको यहाँ ऑफर किया गया। सेंटर में एक आपकी जो है कैबिन लाइट ऑफर करी गई है इस मॉडल के अंदर। ये कुछ इस तरीके की चाबी, और 2024 का हमारा लेटेस्ट मॉडल ये रहने वाला है। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, कि प्राइसिंग क्या रहने वाली है। सारे मॉडल्स की प्राइसिंग मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास लिस्ट है, ठीक है। ये बंद किया, ये है अपनी इस गाड़ी की प्राइस लिस्ट। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले ई मॉडल की, तो ये कॉस्ट करती है आपकी 6,86,000 रुपये की, 6,86,000 रुपीज़ जो है इसकी एक शोरूम कॉस्ट है यहाँ पुणे में, महाराष्ट्र में। वहीं अगर मैं इसकी इस गाड़ी की ऑनर कॉस्ट की बात करूँ अपनी ग्लैंजा की, ई की मैनुअल ट्रांसमिशन वाली, 6,86,000 जिसकी एक शोरूम है, और अभी मैं आपको शो टोयोटा पे, तो ये यहाँ पे ऑनर कॉस्ट करती है आपकी 8,06,000 रुपये की, 8,06,000 रुपीज़ जो है इसकी ऑनर कॉस्ट है यहाँ पुणे में, महाराष्ट्र में। तो कैसी लगी गाड़ी, कैसी लगी वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसी ही किसी गाड़ी का रिव्यू देखना हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस गाड़ी का भी आपके लिए कर दूंगा, और आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। अब एक बार सारी गाड़ियों की प्राइसेस भी चेक कर लीजिए, ग्लैंजा के हर मॉडल की आप एक शोरूम चेकआउट कर लीजिए। ये स्टार्ट हो रही है आपकी 6,86,000 से, और जा रही है आपकी 9,68,000 रुपये तक, ठीक है। 6,86,000 से लेकर 9,68,000 रुपये तक इसकी जो है रेंज जाती है अपनी ग्लैंजा की, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी गाड़ी, मेरे को कमेंट जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कार, गाड़ी, बाइक या स्कूटी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।